हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है एंड उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिनको समझ में नहीं आता कि स्टिक फाउंडेशन यूज़फुल है या लिक्विड फाउंडेशन। और अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है हेल्पफुल। बट हेल्पफुल वीडियो तभी होगी जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। सो गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, क्लिक करिए और आपको मेरी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। आपकी कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम ज़रूर करें एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें। सो गाइज, आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो है ये NY Bay का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर। जी हाँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा कंसीलर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये कंसीलर मैंने बाय कहाँ से किया है। सो गाइज, ये मैंने purple.com से बाय किया है। purple.com पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं प्रोडक्ट पर, और अगर आप एलीट मेंबर हैं तब तो पूछना ही क्या, आपको गिफ्ट भी फ्री मिलते हैं। सो गाइज, ये मैंने वहाँ से बाय किया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है जितने प्राइस में मुझे मिला है उससे कम प्राइस में आपको मिल जाए। सो गाइज, सबसे पहले मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर जो इनका MRP प्राइस NY Bay का दिया हुआ है वो है ₹195, यानी कि ये अंडर 200 की रेंज में एक अच्छा कंसीलर आपको मिल रहा है। सो गाइज, जितना MRP प्राइस है ये उतने में नहीं मिलेगा आपको, डिस्काउंट के बाद ये 160 या 165 का मिलेगा। तो मुझे ये 165 में मिला था, आप चेक कर सकते हैं, अगर ऑफर होगा तो आपको इससे कम में भी मिल सकता है। सो ये हो गई प्राइस की बात। मैंने इसको 6 महीने पहले बाय किया था बट रिव्यू होने में लेट हो गया ड्यू टू सम रीजंस। सो मैं अब इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, मुझे लगा कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, दैट्स वाई कि मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये हो गई शेल्फ लाइफ की बात। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये लोकल एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है, ज़्यादा लग्जूरियस पैकेजिंग नहीं है इसकी। और ये बहुत ही NY Bay के प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। सो गाइज, मेरा जो शेड है वो है विच इज़ 01 एंड यहाँ पर लिखा है वाइट एंड मिल्क चॉकलेट प्रिट्जल शेड है इसका। सो गाइज, कंसीलर बाय करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंसीलर कैसा लें। सो आपको अपनी स्किन टोन से लाइट कंसीलर ऑलवेज बाय करना है, क्योंकि कंसीलर आपकी अनइवन स्किन टोन को मैच करने के लिए होता है, आपके हाइलाइटिंग एरिया को हाइलाइट करने के लिए होता है, इनपरफेक्शन को ख़त्म करने के लिए होता है। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आप कंसीलर जब भी खरीदें आपको हमेशा अपनी स्किन टोन से लाइट कंसीलर ही बाय करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। सो गाइज, इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया है क्योंकि ये मेरी स्किन टोन से लाइट कंसीलर है। सो गाइज, इस पर एक प्लस पॉइंट है कि इन्होंने अपने की इंग्रेडिएंट्स इस पर मेंशन कर रखे हैं, अगर आप जानना चाहें तो ये आप इस पर रीड कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि इस कंसीलर में क्या क्या यूज़ किया हुआ है इन्होंने और वो आपकी स्किन के लिए कितना यूज़फुल है। सो गाइज, NY Bay कंसीलर के कुछ दावे हैं जो इन्होंने यहाँ पर मैंशन कर रखे हैं, वो भी आपको बताना चाहूँगी कि ये क्या सच में जो क्लेम करते हैं वो सच हैं या झूठ हैं, तो वो मैं आपको रीड करके एक बार बताना चाहूँगी। सो गाइज, इनका जो पहला क्लेम है वो यहाँ पर है, कैम्यूफ्लेजिस स्किन इररेगुलरिटीज़। तो ऑफकोर्स ये आपकी फेस की जो इररेगुलरिटीज़ है, जो अनइवननेस है, उसको क्लियर करता है। एंड देन सेकेंड इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर, प्रोवाइड्स नेचुरल लुकिंग कवरेज। तो येस, ये नेचुरल लुकिंग कवरेज देता है, बिल्कुल सही इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर। आप लगाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई अलग सी चीज़ लगा रखी है। सो गाइज, जो इनका यहाँ पर थर्ड क्लेम है वहाँ इन्होंने लिख रखा है, लॉन्ग वियर एंड क्रीजलेस। सो गाइज, ये काफ़ी देर तक आपकी स्किन पर रहता है, वो भी बिना क्रीज क्रिएट किए। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा देर तक रहे तो आप किसी भी लूज कॉम्पैक्ट की हेल्प से बेकिंग करके इसको काफ़ी देर तक रख सकते हैं। ये एक लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है, 4 से 5 घंटे अच्छी तरीके से आपके फेस पर, आपकी स्किन पर ये रहने वाला है। देन इनका जो फोर्थ क्लेम है वो यहाँ पर लिखा है, लाइट वेट फॉर्मूला। तो यस, इसका एक लाइट वेट फॉर्मूला है,
बहुत ही लाइट वेट है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने हाथ की हेल्प से भी और आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर इन्होंने फिफ्थ जो क्लेम कर रखा है वो है इवन स्किन टोन, तो यस ये आपकी अनइवन स्किन टोन को इवन कर देगा। देन इन्होंने सिक्स क्लेम जो कर रखा है वो है ब्लेंड लाइक अ ड्रीम, तो ऑफकोर्स मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो इनका क्लेम है ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप फिंगर की हेल्प से कर रहे हैं तो फिंगर की जो वार्मनेस है उसकी हेल्प से ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले कंसीलर को आप अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करें, देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से। डोंट यूज़ ब्रश क्योंकि वो एक लाइन हार्श क्रीज क्रिएट कर देता है इसलिए, और ब्यूटी ब्लेंडर से इसलिए नहीं क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर सारा प्रोडक्ट अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए पहले आप अपने हैंड की हेल्प से ऐसे सेट कर लें देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। सो गाइज ये थे एनवाई बे के सिक्स क्लेम जो ये कर रहा था एंड ये टोटली ट्रू है गाइज। सो गाइज इसकी जो क्वांटिटी है मैं आपको बता दूँ वो इन्होंने दे रखी है 3 ml, यानी कि 165 rupees में आपको या 160 rupees में 3 ml की बॉटल मिल रही है आपको। सो गाइज ये हो गई पैकेजिंग की, शेड की, MRP रेट, शेल्फ लाइफ की बात एंड इसके क्लेम्स की जो इन्होंने मेंशन कर रखे थे। आप अंदर के प्रोडक्ट को देख लेते हैं। सो गाइज अंदर का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पर ब्लैक कलर की कैप है, देन यहाँ पर सिल्वर कलर से लिख रखा है NY Bay जो कि ब्रांड का नेम है। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल दे रखी है, यहाँ पर MRP प्राइस एंड शेल्फ लाइफ मेंशन है। सो गाइज देख लिया आपने, आउटर पैकेजिंग भी देख ली, इनर पैकेजिंग भी देख ली किस तरह की है। अब इसको ओपन करते हैं। सो गाइज इस कंसीलर के साथ आपको इस तरह का एप्लीकेटर भी मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है अप्लाई करने में, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरी स्किन टोन से काफ़ी लाइट है एंड सीरियसली गाइज ये बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसको यूज़ करके बहुत जल्दी एक लुक क्रिएट करूँगी आप लोगों के लिए। सो अब मैं इसका स्वॉच आपको अपने हाथ पे करके दिखा देती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं ओरिजिनल मेरी स्किन टोन में और इस कंसीलर का जो शेड है उसमें कितना डिफरेंस है। सो गाइज अब मैं इसे ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। सो गाइज ये देख सकते हैं आप फिंगर की हेल्प से कितनी इजीली ब्लेंड हो गया है, कहीं भी पैचीनेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। दोनों हाथ में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये मेरा ओरिजिनल स्किन शेड है एंड देन ये कंसीलर अप्लाई करने के लिए एंड ये कितना लाइट वेट और कितना इजी है इसको अप्लाई करना। सो गाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि स्टिक फाउंडेशन की जगह आप लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करें एंड 200 की रेंज के अंडर में ये कंसीलर आपको बेस्ट कंसीलर मिल रहा है। अगर आप मेकअप करना सीख रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छा डील मिल रहा है आपको एंड ये आपको 200 की रेंज में 165 का डिस्काउंट पर मिल जाएगा। सो लिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। या अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल बटन को भी हिट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। बाय गाइज।